हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार। आज मेरा साथ अहमदाबाद गुजरात से जोड़ रहा है मेरा एक विशेष मित्र, मैं कह सकता हूं, मगर वो सिर्फ मेरा मित्र नहीं है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक वकील है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम श्री आनंद वर्धन याग्निक फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, एडवोकेट। आनंद जी, धन्यवाद आपने आपका समय न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया। मेरा पहला सवाल यह है कि गुजरात में आज भारतवर्ष में 29 राज्य है, मगर आज ये कोविड का जो महामारी है, जो बीमारी है, गुजरात एकदम नंबर टू रैंक, दो नंबर पोजिशन में है। ठीक महाराष्ट्र के नीचे गुजरात है। लगभग 8,000 से ज्यादा, 8,200 कंफर्म्ड कोविड केस है और लगभग 500 लोगों का मौत हो गए हैं। तो मैं सवाल आपसे उठाना चाहता हूं कि गुजरात का अगर जनसंख्या अगर देखेंगे, लोकसंख्या अगर देखेंगे, तो भारतवर्ष में 9 नंबर स्तर में है, 9th मोस्ट पॉपुलस स्टेट, मगर कोविड के बारे में एकदम नंबर दो तक कैसे पहुंच गए हैं? कौन जिम्मेदार है? कारण क्या है? इस विषय के ऊपर आप कहिए। नमस्कार गुहा जी, और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे गुजरात के बारे में बोलने के लिए कहा। देखिए, एक बात हमें समझने की जरूरत है कि गुजरात में 2001 के बाद नरेंद्र भाई मोदी का शासन आया। नरेंद्र भाई मोदी का जो शासन काल था, दैट हैज नॉट बीन अ वेरी डेमोक्रेटिक बट अ डेस्पोटिक मैनर ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट, वन मैन शो, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 14 इयर्स जो बाबू थे, बाबूशाही और लोकशाही और जितने नेतागण थे वो खत्म हो गए। केशु भाई, सुरेश मेहता, काशीराम राणा, ये सब नेताओं को उन्होंने हटा दिया। ये बात अभी कोरोना के युग में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है एंड एडमिनिस्ट्रेशन है वो खत्म कर दिया। वो जो कहते थे वो ब्रह्म वाक्य था। 2014 में वो दिल्ली गए, उसके बाद आनंदीबेन और अभी रूपानी जी का शासन है। ये पिछले 14 साल में जो गुजरात में एग्जीक्यूटिव, अनइलेक्टेड एग्जीक्यूटिव का जो पैटर्न रहा, दे फॉरगॉट हाउ टू एडमिनिस्टर एंड दे न्यू ओनली वन थिंग, हाउ टू इंप्लीमेंट द वर्ड ऑफ द देन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी गए, उसके बाद में उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधियों के में कोई विश्वास नहीं रखा। तो आज पिछले दो सब महीने में ना कोई लेबर मिनिस्टर गुजरात का बोला, ना कोई इरिगेशन मिनिस्टर बोला, ना कोई बोला। सिर्फ जो बोलते हैं वो गिने चुने प्रतिनिधि हैं और वही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ऊपर से नियुक्त होते हैं, चाहे वो नरेंद्र भाई हो या फिर हमारे अमित शाह जी हो। दूसरी बात आपको हम बताएं कि ये क्यों है। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली गए तो वो एक कैलाश नाथन करके एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को छोड़ के गए चीफ मिनिस्टर के। कैलाश नाथन रिटायर हो गए, लेकिन आज सचमुच में नरेंद्र मोदी जी के कहने पर गुजरात का शासन कैलाश नाथन चलाता है। हमारे चीफ मिनिस्टर जो रूपाणी जी हैं, वो एक जो गोविंदाचार्य ने कहा था, मुखोटा है ना। इनके पास शासन की शैली है ना, बाबुओं के पास काम करने का कोई स्वतंत्रता है, इसलिए ये कैलाश नाथन पॉलिटिकल तो मैनेजमेंट कर चुका, लेकिन कोविड को मैनेजमेंट करने में निष्फल रहे। अब बात आई आपके ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी तो काम करती नहीं थी ना, तो मिनिस्टर के हमने कभी पिछले दो महीने में कोई मिनिस्टर को सुना ही नहीं, ना लेबर मिनिस्टर को सुना, ना हेल्थ मिनिस्टर को सुना, ना फिर हमने वो चाइल्ड वेलफेयर वाले को सुना, ना हमने किसी और को सुना है। यानी
कोई मिनिस्टर जो चुने गए हैं इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी अल्टीमेटली व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी और एन एपिडेमिक लाइक यू नो कोरोना वी आर एक्सपेक्टेड दैट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु रन द गवर्नमेंट वुड अल्टीमेटली टेक अ लीडरशिप हाउएवर देयर इज नो लीडरशिप एट ऑल एक दूसरा ब्यूरोक्रेसी हैज लॉस्ट यू नो द बेसिक लर्निंग हाउ टू एडमिनिस्टर बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पास्ट ठीक एंड थर्ड thing let me conclude this question by giving an answer that the power in Gujarat is centralized completely to one or two bureaucrats and they have completely failed one secondly well 70% of the cases are from Ahmedabad and we must understand that Ahmedabad is a 600 year old city we have a walled city And we have a you know Western Ahmedabad, which is a modern Ahmedabad, so-called modern Ahmedabad. The majority of the cases that have been happening are in walled city, where density is as much as you see there in Chandni Chowk in Delhi. And secondly, in the slum areas, just as you have a Dharavi in Bombay, we have Chamanpura and many other localities with substantial population that exceeds 1 lakh or. From my personal experience, because I stay very close to one of the, you know, slums known as you know Hollywood, which is Gulbai Tekra slum. यहाँ पे पिछले 15-20 दिन में इन लोग का attention आया. इससे पहले slums में कभी था ही नहीं. Which now has turned out to be a super spreader. Or walled city में they did not have any strategy where there is no possibility of social distancing. How would you maintain a distance so as to prevent spread of corona in the walled city, historic city is a question which Gujarat elected and unelected executives do not know how to handle. ठीक है आनंद जी आपने साफ साफ कह दिया जो आपका कहना था और मैं पसंद करूंगा आप social distancing ये दो शब्द मत इस्तेमाल कीजिए आप कहिए physical distancing. फिर भी मैं दो चीज कहना चाहता हूँ पहला बात है कि गुजरात तो इसका जो अर्थव्यवस्था है भारतवर्ष का जो 29 राज्य है मैं इसमें 3 नंबर में है इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया मगर इसका अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे यानी कि मानव विकास का जो सूचकांक है 29 राज्य में 21 में है अच्छा अब हम दो सवाल आपसे पूछ रहे हैं जो आपने कहा अहमदाबाद के बारे में हम देखा इतवार के दिन अमराईवादी इलाका में लोग सड़क में निकल गए बोले भाई हमें हमें अनाज चाहिए हमें हमें खाने की चीज चाहिए हमें सब्जी चाहिए और डिस्टेंसिंग का नॉर्म तो भूल जाइए सब लोग सड़क में आ गए हैं और आज आप जानते हैं अहमदाबाद गुजरात में सबसे बड़ा जो नगर है वो है लगभग 60-65 लाख लोग रहते हैं तो ये जो शहर में ये स्थिति है और मैं इसके बाद आपसे सूरत के बारे में सवाल उठाना चाहता हूं मगर सरकार कुछ नहीं कर पा रहे प्रशासन कुछ नहीं पा रहे आप क्या जैसे बार बार कह रहे हैं कि जो राजनीतिक नेतृत्व है वो खत्म हो गया मगर सरकार क्यों नहीं कर पा रहे ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर पा रहे मैंने आपको पहले कहा कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में ब्यूरोक्रेसी को कोई स्वतंत्रता थी नहीं सिर्फ एक व्यक्ति बोलता था और शासन चलता था तो आज भी उन्होंने यही सोचा कि वो शासन चलाने की शैली है वो ये बाबू लोग भूल गए हैं अब ये उनका था कि चलो भाई चीफ मिनिस्टर कहेंगे तो हम उतना कर देंगे बात हमारी खत्म हो गई तो कहीं शासन है ही नहीं और इट्स 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 एक्सट्रीमली शेमफुल एंड एम्बेरेसिंग टू एक्सेप्ट That the Gujarat bureaucracy has completely failed. They do not know the social and physical geography of Ahmedabad. They do not know how to contain corona in a walled city, which is a historic city where population and the density is extremely high, and so you know physical distancing is next to impossible. But at the same time, lakhs of people are staying within. अच्छा मैं सूरत के बारे में दो चार सवाल उठाना चाहता हूँ अगर उससे पहले गुहा जी बिफोर यू गो ऑन सूरत लेट मी आंसर वन थिंग इंसिडेंटली
on assumption that the civil society intervention will not help state in meeting with the crisis created by corona, perhaps what has happened in other states is happening in Gujarat as well, that NGOs, voluntary organizations and civil societies are not permitted to participate in any endeavor. However, when you ask bureaucracy, you know, this Macaulay's children who have nothing to do with the reality, but everything to do with how they dress and how their perks and privileges in Gandhinagar are maintained. ये लोग को समझ में नहीं आता कि गुजरात अहमदाबाद में आज 65 से 75 लाख का पॉपुलेशन में 30 लाख जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन है, जो राशन कार्ड से जीते हैं. और अगर आपका 50% पॉपुलेशन जो है विच इज डिपेंडेंट ऑन डेली एंड मंथली वेजेस, देन if you in the name of curbing and preventing corona from going outside lock a society and a civilization in part, particularly in the walled city or in the nearby walled city, then simultaneously you are expected to meet with their basic necessities. Yeah. while imposing physical limitations, the requirement and the basic necessities of lakhs of people within the city and areas like Dani Limra are not being met with, and therefore they are saying ki hum bhookhe hain, aap humko corona se nahi maroge, aap humko bhook se maroge. Anand ji, aap ye prashasan ke bare mein kaha kuch din pehle, jo bharatvarsh ke sabse bada jo shiksha sanstha hai, All India Institute of Medical Sciences, hamare bharatvarsh ka griha mantri Amit Shah ji ne hukum kiya, और एम्स का जो निर्देशक है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया वो पल्मोलॉजिस्ट है, साथ से मनीष सुरेजा जी वो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन है, उन्होंने दिल्ली से भारतवर्ष का ये वो वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल एयरक्राफ्ट में हवाई जहाज में उनको दिल्ली से अहमदाबाद लेके गए हैं. और सब जानते हैं कि ये आदेश एकदम अमित शाह जी ने किया, इसमें बायस नहीं है. महाराष्ट्र कह सकते हैं कि हमारे हमारे राज्य में हमारा जो महामारी है इससे भी गुजरात से भी बड़ा है, अहमदाबाद से भी बड़ा है, तो इसमें बायस नहीं है. इस विषय के ऊपर का कहीं देखिए, गुजरात मॉडल को हिंदुस्तान ने चुना एक बार नहीं 2014 में, लेकिन 2019 में, और बहुत ज्यादा वोटों से चुना. तो हम कौन को होते हैं गुजरात मॉडल के बारे में सवाल करने वाले. लेकिन गुजरात मॉडल के अंदर कोरोना क्राइसिस को डील करने की ताकत शायद कम है और राज्यों के कंपैरिजन में, ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा. और दूसरी बात कि एम्स के डायरेक्टर यहाँ पे आए, ही वेंट टू द बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ गुजरात एंड सिटी इन पर्टिकुलर, दैट इज सिविल हॉस्पिटल एट असारवा. ही वॉज नॉट परमिटेड टू एंटर इन टू एनी वार्ड. Therefore, his visit was incomplete and inadequate. This AIIMS director, who insisted that he would like to go to the respective wards where corona patients are being treated, but bureaucracy, which doesn't have the courage and the inner strength also to visit and meet corona victims, prevented him from entering into any ward and actually ascertaining the situation besides the grievances of those who are admitted as a corona victim. Now, तो इसका मतलब ये पूरा जो हवाई जहाज में भारतवर्ष के वायु सेना का हवाई जहाज में गुलेरिया जी, डॉक्टर गुलेरिया जी और उनके साथ ये दोनों भाई भाई साहब ने जो आए हैं, इसका कोई फायदा नहीं हुआ? डॉक्टर मनीष सुरेजा और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ. ये जो एम्स के डायरेक्टर हैं, क्या नाम बताया आपने उनका? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया. गुलेरिया को गुलाटी मरवा दी पूरी की पूरी हमारे अहमदाबाद में और गुजरात के अंदर. इनको गांधीनगर में और अच्छी अच्छी एयर कंडीशन ऑफिस के अंदर और कुछ एरिया में ले जाके बड़ा बड़ा बताया
लेकिन कोरोना विक्टिम से बात करने नहीं दी। आप जानते हैं सिविल में हॉस्पिटल में कोरोना विक्टिम्स हैव बीन रेजिंग प्रोटेस्ट, देयर हैव बीन सेवरल वीडियो क्लिप्स कि यहां ओएन दोस डॉक्टर्स हु देमसेल्फ बिकम विक्टिम इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द कोरोना नो पेशेंट्स आर आल्सो एडमिटेड, दे हैव बीन यू नो एक्सप्रेसिंग सीरियस ग्रीवेंसेस अबाउट इनएडिक्वेसीज। ना तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो आपके पास यू नो डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स हैं, सॉरी ना तो आपके पास डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ है, ना आप अभी इसको रिक्रूटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यू नो सिविल सोसाइटी यू नो इनिशिएटिव्स वेयर बाय वी हैव बीन सेइंग कि हम लोग चपरासी का काम करने के लिए तैयार है, हॉस्पिटल में हम पोछा लगाने के तैयार है, हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट के कपड़े धोने के लिए तैयार है, लेकिन ना तो सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करते हैं, ना तो एम्स के डायरेक्टर को उन्होंने कोरोना के वार्ड में जाने दिया, लोगों से बात करने दी। और अगर आप कोरोना विक्टिम से बात नहीं करोगे, देन हाउ विल अ डायरेक्टर ऑफ एम्स विल गो बैक इन ऑर्डर टू अप्रेज द अथॉरिटी देयर, एंड व्हाट इज द अथॉरिटी इन दिल्ली? दिल्ली में सिर्फ दो आदमी है हिंदुस्तान में, नरेंद्र भाई और अमित शाह, उसके अलावा कौन चलाता है? वो दोनों को क्या बोलेगा? तो यहाँ के बाबू में ताकत नहीं थी और ये गुलेजा जी को बस बाहर खड़े रह के बताया कि ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, वो बेचारा आदमी बोलता रहा लेकिन बाबू ने मना कर दिया, ना उनमें ताकत थी ना उनको जाने दिया। लेकिन एम्स के डायरेक्टर को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने अपनी मात्रा में रह के बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोशिश को सफल नहीं होने दिया, क्योंकि अगर एम्स के डायरेक्टर को पता चलता कि यहाँ पे नो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं है, यहाँ पे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स कम है, यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ खाने के फूड सैनिटेशन हाइजीन का ख्याल हॉस्पिटल्स में नहीं रखा जा रहा है, एंड पेशेंट्स आर नो बीइंग रिफ्यूज्ड, द पेशेंट्स हैव टू वेट आउटसाइड टू बी एडमिटेड एंड टू बी अटेंडेड टू फॉर आवर्स टुगेदर, समटाइम्स फॉर अ डे और अ टू, एंड वर्स इज दैट दोज डॉक्टर्स व्हेन दे बिकम विक्टिम फेस द सेम सिचुएशन। अच्छा आनंद जी, मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं सूरत के बारे में दो चार सवाल आपसे उठाना चाहता हूँ, मगर उससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल हमारे पास है। लॉकडाउन हुआ 24 मार्च, ठीक एक महीना पहले 24 फरवरी गुजरात अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुई थी, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पता नहीं कितने लाखों लोग आए थे वहां पे स्टेडियम में, कितने आपने लंबा लंबा दीवार बनाया, लोगों को बोला यहाँ रहिए वहां मत जाइए, यहाँ पे वॉल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ कहिए, क्योंकि ये लोगों को दिखाना था कि लाखों लोग आ रहे कह रहे नमस्ते ट्रंप, जैसे हाउडी मोदी ह्यूस्टन में हुआ था। आज किस तरह से आप देख रहे जो 24 फरवरी का जो इतने बड़े तमाशा हुई थी, आज किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं ट्रंप की विजिट के बारे में आपको कुछ बताऊं उससे पहले, अहमदाबाद में ये शासन की जो विफलता है उसके बारे में कह दूं। अहमदाबाद में दो बड़ी हॉस्पिटल है, मैंने सिविल हॉस्पिटल के बारे में बताया, लेकिन दूसरी जो बड़ी हॉस्पिटल है जो 1929 में स्थापित हुई थी, शेख वाडीलाल शेख चिनाय हॉस्पिटल। आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों में सरदार वल्लभ भाई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुजरात सरकार और भारत सरकार ने खड़ी की, उसमें ये पुरानी हॉस्पिटल को उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया, उस हॉस्पिटल को उन्होंने खत्म कर दिया। आज हम लोग कह रहे हैं कि 1400 हॉस्पिटल की ये 90 साल पुरानी हॉस्पिटल है, 1400 बेड्स की, आप उसको चालू कीजिए तो तंत्र कहता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो आज जो पुरानी हॉस्पिटल्स है वो बंद हो चुकी है, आज इनके पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ रिक्रूट करने की कोशिश नहीं की है। आप जानते हैं यूरोप और अमेरिका में कि आर्मी को बुलाए जाते हैं, रिटायर्ड डॉक्टर्स को बुलाए जाते हैं, रिटायर्ड पैरामेडिकल स्टाफ को बुलाया जाता है, देयर इज नो इनिशिएटिव एज फार एज स्टेट ऑफ गुजरात इज कंसर्न टू कॉल फॉर ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन एट लार्ज द रिटायर्ड डॉक्टर्स रिटायर्ड पैरामेडिकल स्टाफ एंड यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वाडीलाल, आप सरदार वल्लभ भाई ने 1929 में जो शेख वाडीलाल
शेठ वाड़ीलाल साराभाई हॉस्पिटल प्रस्थापित की थी, आपको याद होना चाहिए। सरदार वल्लभ जी हमारे वल्लभ भाई हमारे मेयर थे अहमदाबाद के। उन्होंने जब मेयर थे तब 1929 में जो हॉस्पिटल प्रस्थापित की उसको नरेंद्र भाई मोदी ने खत्म कर दी, और वो हॉस्पिटल खत्म करने के बाद सरदार वल्लभ भाई नाम के नाम पर ठीक बाजू में नई हॉस्पिटल खड़ी की, और आज वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें पेशेंट ट्रीट नहीं किए जाते हैं। अगर आप पैसा दोगे नहीं तो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा नहीं, कोरोना की बात अलग है, लेकिन आप कह दिया। अब जाते हैं आप ट्रंप के बारे में। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप के चुनाव में एक सबसे बड़ा विवाद रहा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने हिलेरी क्लिंटन को हराने में मदद की या नहीं की, और पूरा अमरीका external forces in operation in order to impact the outcome of the US election for presidency. मेरा इतना ही कहना है कि ये जो ट्रंप साहब यहां पे आए 2-3-4 घंटे के लिए, इसमें ये नाटक से ज्यादा कुछ नहीं है। और नरेंद्र भाई की जो शैली है कि 2002 के दंगे के बीच उन्होंने जुलूस निकाला था कि भाई गुजरात की अपनी धरोहर को सेलिब्रेट करो, और प्रेसिडेंट वो आए थे, शी पिंग आए थे, तभी भी इन्होंने रात में दिन बना दिए थे, 300-400 करोड़ के खर्च करके लाइटें लगा दी थी, और वो साबरमती रिवर फ्रंट पे ये मिट्टी के और वो लकड़े के और प्लास्टिक के शेर और शेरनियों को लाके हिंचके पे बिठा के शीपिंग को क्या बता रहे थे पता नहीं चलता है। अगर विकास की यात्रा में यही एक एक्सटर्नल रिलेशनशिप है, देन I must say the confrontation at the borders with China will continue to happen and will escalate. Now, let us come back to Trump visit. Mera ye kehna hai ki ye Trump visit aur kuch nahi hai. Narendra bhai ne aane wale United States ka jo chunav hai, the election in United States is approaching. I think it's in November. November. The perception is that Indians are in favor of Democratic Party. Indians are generally voting in favor of Democratic candidate from the Democratic Party. Narendra Bhai ne sachmuch mein Trump ke liye, Trump ko bula ke Ahmedabad mein chunav ka prachar America ke liye shuru karwa diya. Aur ye ek spasht baat hai ki na Bharat ke vikas ke liye, na कोई यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते के बारे में कोई ये एक लैंडमार्क था। 3-4 घंटे से बुलाओ, 1.5 लाख लोगों को बुलाओ, 10,000 के करीब स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस का इस्तेमाल करो, लोगों को खाना खिलाओ और वापस भेजो, उसमें क्या प्रतिपादित करना है वो मुझे समझ में आता नहीं है। लेकिन दिस वॉज अ गिमिक इन ऑर्डर टू एंश्योर एक्सटेंशन ऑफ पर्सनल फेवर टू ट्रंप एंड directly and indirectly help him in getting elected and telling a message to Indians abroad in United States that I want you to vote for Donald Trump and not for the Democratic Party. दूसरी बात आप इसको ट्रंप की विजिट को कोरोना के बाद साथ कैसे जोड़ेंगे, उसके बारे में शायद आप हमसे पूछना चाहेंगे, और शायद ये सवाल उसके लिए है। देखिए 30 जनवरी से WHO ने ये कह के रखा था कि दिस वायरस इज वेरी डेडली, नो सोशल डिस्टेंसिंग इज अ रूल इन द वर्ल्ड, नो सोशल गैदरिंग, ना तो आप फुटबॉल की मैच यूरोप में खेलेंगे ना क्रिकेट मैच खेलेंगे, ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स गैदरिंग या सोशल गैदरिंग नहीं होने देंगे। 30 जनवरी के बाद 24 फरवरी को अगर ट्रंप को बुलाया जाता है और ये 2 दिन में ये पूरा होता है, इसका मतलब क्या कि WHO की जो गाइडलाइंस थी उसको आप एडियर नहीं किए। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान में कोरोना कौन लाया, तो ये माइग्रेंट वर्कर्स नहीं लाए, मजदूर नहीं लाए, ये जो अपने पास पासपोर्ट रखते हैं और
हिंदुस्तान के बारे में, जो विदेश में बैठ के अमेरिका के सिटीजन होने के बाद में जो भारतीय है वो जो बोलते हैं, और ये जो NRIs हैं, और जो भारतीय जो विमान में उड़ते हैं जिनके पास पैसा है, सो दोज हु होल्ड पासपोर्ट हैव ब्रॉट कोरोना टू इंडिया एंड आर कंपेलिंग दोज हु होल्ड राशन कार्ड टू गो बैक टू देयर विलेजेस हंग्री एंड इन अ वेरी पैथेटिक कंडीशन. दूसरी बात बताएं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स, लाखों लोग आए, लाखों लोग तो नहीं आए, ये तो ये क्या है कि इट्स हमारे यहाँ एक का दस करने का तो ये शैली है नरेंद्र भाई का, लेकिन 1,10,000, 20,000, 30,000 के ज्यादा लोग आए नहीं थे, और ये सरकार की गिनती है, हमारी गिनती नहीं है, लेकिन आए थे. चलिए मान लीजिए इनको इकट्ठा करके आपने कोरोना के स्प्रेड में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, देन आई मस्ट से दैट आई डू नॉट हैव द एविडेंस. बट एट द सेम टाइम ट्रम्प गैदरिंग held by Narendra Modi administration at Motera Stadium in Ahmedabad, where more than 1,10,000 to 20,000 people participated, was in abject violation of WHO guidelines, which ought to have been avoided, keeping in mind that corona was knocking the door of India, which was absolutely. हाँ जी बोलिए. नहीं, मैं आपने आपका बात साफ कर दिया. हमारा वक्त खत्म है. लोग कहते हैं कि हम आपसे, और बहुत सारे सवाल है, कम से कम 6-7 सवाल है, मगर हम हमारे जो इंटरव्यू है, हमारा जो साक्षात्कार है, मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ. और मैं हमारे न्यूज क्लिक का दर्शक को कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत कुछ आज कहा. आज क्यों गुजरात का प्रशासन इतने कमजोर हो गए ये कोरोना बीमारी, कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए? पूरा नरेंद्र मोदी सरकार का जिस तरह से प्रशासन चला रहे, इस विषय के अहमदाबाद में क्या हो रहा है, आपने बहुत कुछ कहा. ये ट्रंप की जो बड़ा एक जो कार्यक्रम हुआ, ये सारे विषय में कहा. मेरा और भी सवाल है, सूरत में क्या हो रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछना चाहता हूँ, बुलेट ट्रेन के बारे में पूछना चाहता हूँ, प्रवासी मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूँ, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उसके बारे में आपसे सवाल उठाऊंगा. मैं सेकेंड पार्ट, दूसरी जो अंश है हमारे इंटरव्यू, वहां पे ये सारे सवाल उठाऊंगा. हम न्यूज क्लिक का दर्शक को विदाई लेना चाहता हूँ कुछ देर के लिए. आप जरूर देखिए ये जो दूसरा जो पार्ट है, हमारे जो इंटरव्यू है आनंद याग्निक जी से, जरूर आप देखेंगे. अभी के लिए आप न्यूज क्लिक देखते रहिए.